एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड, माई सेल्फ एमए कफिल। और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखे, सेल्फ पॉलिनेशन में हाइड्रोफिलाई पॉलिनेशन देखे, उसके बाद ईपीआई हाइड्रोफिलाई पॉलिनेशन देखे, और उसके बाद हमने देखे कि फ्लावर पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। तो आज हम देखने, पॉलिनेशन ऑकर्स बाय द इंसेक्ट्स, यानी कि पॉलिनेशन होता है लेकिन किसके जरिए होता है, तो इंसेक्ट्स के जरिए होता है। तो इसे ही हम कहेंगे, ये प्रोसेस को हम कहेंगे एंटोमोफिलाई। और हमें पता है कि एंटोमोफिलाई में, यानी कि जो प्लांट्स में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, हमें याद रखना चाहिए कि एंटोमोफिलस प्लांट में पॉलिनेशन होता है बाय द इंसेक्ट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एंटोमोफिलस प्लांट। ये होता है कि फ्लावर्स जो रहते हैं, फ्लावर्स बड़े रहते हैं, ठीक है, और वो दिखते हैं और एकदम डार्क कलर के रहते हैं, ठीक है। वो देखने में रहते हैं कि एकदम, यानी कि हम इजीली उन्हें देख सकते, आइडेंटिफाई कर सकते, यानी इतने साइज में वो बड़े रहते हैं, एंटोमोफिलस प्लांट्स के फ्लावर। फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, शोवी इन नेचर एंड ऑफन ब्राइटली कलर। ओके, तो इनका क्या रहता है फ्लावर का, वो देखने लायक भी रहते हैं, यानी कि इजीली हम उन्हें देख सकते हैं, यानी कि वो इतने साइज में बड़े रहते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, कई के फ्लावर्स, तो एंटोमोफिलस के फ्लावर, तो वो खुशबू देते हैं और उनमें शहद बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर प्रेजेंट रहता है। तो एंटोमोफिलस प्लांट्स आर, फ्लावर इज फ्रैगनेंस, यू फ्रैगनेंस एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी कि उनमें नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एंटोमोफिलस प्लांट में फ्लावर कैसे रहते हैं। तो फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, शोवी इन नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ ब्राइट कलर, यानी कि वो एकदम से ब्राइटली कलर रहते हैं, हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद फ्लावर्स में फ्रैगनेंस, खुशबू, यानी कि वो भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उसमें शहद भी ज़्यादा पैमाने पर या ज़्यादा परसेंटेज पर प्रेजेंट रहता है, कह में, तो एंटोमोफिलस प्लांट्स में। तो स्टिग्मा, अब ये फ्लावर के स्टिग्मा कैसे रहते हैं, पहले हम उस पर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो ये फ्लावर के स्टिग्मा जो रहते,
यानी कि वो प्रेजेंट रहता है एकदम चिपचिपा और नोकीला पोलन ग्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी